आपको बहुत कम मेहनत में बहुत आसानी से बनने वाले बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी सूजी के लड्डू बनाना बताती हूँ कैसे बनाए जाते। इसमें हम सिर्फ 2 चम्मच घी का यूज करेंगे और इसे बिना चाशनी के बनाएंगे, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे जो कि आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी के लड्डू बनाने के लिए ये हमने 2 कप सूजी लिए, ये हमने महीन वाली सूजी ली है और आपके पास जो भी सूजी है आप उसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम सूजी को भून लेते हैं। हमने गैस पर पैन रख दिया है, अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून देसी घी डाल देते हैं। अब जो हमने सूजी ली थी वो भी डाल देते हैं। अब हम सूजी को स्लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट के लिए भून लेते हैं। भूनते समय हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, सूजी का कलर चेंज नहीं होना चाहिए और सूजी को लगातार चलाते हुए भूनेंगे जिससे कि सूजी तली में ना लगे। 10 मिनट करीब हो गए, अब ये सूजी भी भुन गई है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए सूजी क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, ये हमने बादाम लिए हैं वो डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़े से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, या जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। काजू, पिस्ते, किशमिश। अब हम सभी ड्राई फ्रूट को सूजी के साथ 1 मिनट करीब भून लेते हैं। अब ये ड्राई फ्रूट भून गए हैं, ये हमने 1/2 कप नारियल का बुरादा लिया है वो डाल देते हैं। इससे लड्डुओं में टेस्ट अच्छा आएगा। अब बुरादे को भी 1 मिनट करीब सूजी के साथ भून लेते हैं। 1 मिनट करीब हो गया है, अब यह नारियल का बुरादा भी भून गया है। लड्डू बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप लड्डू बनाएं फ्लेम को स्लो ही रखें। हम इन लड्डुओं में चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी जगह हम मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने धागे वाली मिश्री ली है, ये केमिकल फ्री होती है और शरीर को ठंडक भी देती है। हमने मिश्री को तोड़ करके मिक्सी से पीस करके 1 कप पाउडर बना लिया है, अब हम इस पाउडर को डाल देते हैं। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप उसकी जगह चीनी को मिक्सी से पीस करके पाउडर शुगर बना सकते हैं, फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिश्री को भी सूजी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये हमने 1 कप मलाई ली है वो डाल देते हैं। मलाई को यूज करते समय आपको ध्यान रखना है कि मलाई 2-3 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ज्यादा पुरानी मलाई का इस्तेमाल करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि मलाई के अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अब मलाई को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मलाई डालने से क्या होता है कि लड्डू के अंदर मावे जैसा टेस्ट आता है, उसकी वजह से लड्डू खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते है। अब ये मलाई भी अच्छे से मिक्स हो गई है, ये लड्डू खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते है। आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और इसे बनाना भी बहुत आसान है, झट से बनके तैयार हो जाते हैं। ये हमने 5 से 6 छोटी इलायची ली जिसे हमने पीस लिया वो डाल देते, इसे लड्डू के अंदर खुशबू अच्छी आएगी और लड्डू खाने में भी टेस्टी लगेंगे। और इलायची को भी मिक्स कर देते। अब ये लड्डू का मिश्रण बनके तैयार हो गया है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते। अब हम लड्डू के मिश्रण को इस बॉल में निकाल लेते। मिश्रण को हल्का ठंडा होने देते हैं क्योंकि ये अभी काफी गर्म है। अब ये लड्डू का मिश्रण हल्का ठंडा हो गया है, अब हम इससे लड्डू बना लेते हैं। आपको ये ड्राई ड्राई लग रहा होगा लेकिन ये ड्राई नहीं है। अगर आपको मिश्रण थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें दूध के छींटे भी डाल करके लड्डू बना सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, हम लड्डू बना रहे हैं तो ये इजिली बन रहे हैं, बस हम इसी तरीके से लड्डुओं को बना लेते। लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपको कितने छोटे बड़े बनाने हैं, उस हिसाब से आप हाथ में मिश्रण ले ले। देखिए कितना बढ़िया दानेदार लड्डू बनके तैयार हुआ है। इस तरीके से हम सभी लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। अब ये सभी लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आप देख पा रहे कितने बढ़िया सूजी के लड्डू बनके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, देखिए कितने बढ़िया दानेदार लड्डू बनके तैयार हुए। देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बनके तैयार हुए हैं। ये लड्डू खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें बनाइए खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपके लड्डू कैसे बने। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया है अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपके लड्डू भी बिल्कुल ऐसे ही बनके तैयार होंगे। आप
इन लड्डुओं को एयरटाइट डिब्बे में भर करके 10 से 12 दिन के लिए फ्रिज में रखे खा सकते। आप इन लड्डुओं को बाहर ना रखें क्योंकि ये मलाई के बने हुए, इसकी वजह से इसमें स्मेल आ सकती है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।